कहानी की शुरुआत में हिटलर को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड वार टू के बारे में अपने साथी के साथ बात कर रहा था। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है जहाँ पर उसका ऑफिस बंकर था वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जब हिटलर आगे जाता है वो देखता है दुनिया पूरी तरीके से मॉडर्न हो चुकी थी। सभी लोग उसके साथ सेल्फी करवा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये कोई एक्टर है। तभी हिटलर एक लेडी के पास जाता है, वो उससे डर कर उसके ऊपर मिर्च वाला स्प्रे फेंक देती है। वो साथ की शॉप पर जाता है और न्यूज़पेपर देखता है जिस पर 2014 की तारीख लगी हुई थी। ये देखने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हिटलर को होश आता है, वो दुकानदार के दुकान में होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें माई टीवी टेलीविजन की कंपनी को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें फैबियन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसका सीनियर उसे जॉब से निकाल देता है। घर आकर फैबियन बहुत ही परेशान होता है। वो उसी सीन को देखता है जो उसने लास्ट टाइम शूट किया था। उसकी वीडियो में हिटलर भी कैप्चर हो गया था। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो इस हिटलर दिखने वाले आदमी से पूरी जर्मनी का टूर करेगा। हिटलर कपड़े ठीक करवाने के लिए लॉन्ड्री में जाता है। उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होती, इसलिए हिटलर को मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं। शॉप पर आकर फैबियन हिटलर से कहता है, मैं तुम्हारे साथ जर्मनी का टूर करना चाहता हूँ। हिटलर इस चीज के लिए मान जाता है और ये दोनों टूर के लिए निकल जाते हैं। ये वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुनकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक वीडियो डॉग्स पर भी बना रहे थे। तभी एक डॉग हिटलर को काट लेता है और हिटलर उसे गोली से मार देता है, जिससे फैबियन को बहुत ही गुस्सा आता है। फैबियन के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो हिटलर से लोगों के स्केच बनवाता है जिस कारण इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी पोस्ट बहुत लाइक हो रही थी जिस कारण ये दोनों फेमस हो जाते हैं। अब फैबियन अपनी पुरानी कंपनी में जाता है। हिटलर कंपनी की नई चेयरमैन के पास जाता है और उन्हें अपने व्यूज बताता है जो कि उन्हें बहुत पसंद आते हैं। बिलिनी फैबियन के बॉस से कहती है इसके लिए एक शो शुरू किया जाए। हिटलर शो में अपने ओपिनियन देता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं। देखते देखते हिटलर बहुत ही मशहूर हो जाता है। हिटलर एक किताब लिखता है जिसका नाम है लुक हूज बैक। ये किताब बहुत ही मशहूर हो जाती है और काफी मात्रा में बिकने लगती है। वहीं हिटलर का सामना दो जर्मन लोगों से होता है। वो हिटलर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैबियन को पता लग जाता है कि वो कोई नकली हिटलर नहीं है। वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर बिलिनी होती है पर हिटलर नहीं। वो बिलिनी को बताता है कि वो कोई नकली हिटलर नहीं है, वो एक असली हिटलर है। बिलिनी को लगता है कि ये पागल हो गया है। दूसरी तरफ हिटलर को दिखाया जाता है जहाँ पर बिलिनी पहुँच गया था। वो उसके ऊपर गन तान देता है और उसे छत पर आने के लिए कहता है। बिलिनी हिटलर को गोली मार देता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने हिटलर होता है। हिटलर कहता है मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तभी हमें पता लगता है कि ये सब एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तभी हमें पता लगता है कि ये फैबियन असली फैबियन नहीं होता। असली फैबियन को पागलखाने में बंद कर दिया गया था। जब वो हॉस्पिटल गया था तो बिलिनी को लगा कि ये पागल हो गया है, इसलिए उसने उसे पागलखाने में बंद करवा दिया। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है।